नमस्कार 91 न्यूज 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में इन 28 सीटों की अहम भूमिका रही है। पिछले दो दशकों का इतिहास देखें तो इन 28 सीटों के पास सरकार बनाने की चाबी रही है। जिस भी पार्टी ने यहाँ सीट जीती है, प्रदेश में सत्ता उसी की कायम रही है। जिसने यहाँ 28 सीटें जीती है, उसके भाग्य का ताला खुला है। इन सीटों को 3 बार भाजपा ने जीता और प्रदेश में हैट्रिक बनाई। वहीं एक बार यह कांग्रेस के पास आई तो 15 साल की सत्ता एक झटके में बदल गई और कांग्रेस कुर्सी पर काबिज हो गई। मध्य प्रदेश में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाली इन्हीं 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन्हीं 28 सीटों पर 2003 में भाजपा ने 18 सीटें जीती और भाजपा की सरकार बनी। 2008 में भाजपा ने फिर 15 सीट जीतकर अपनी सरकार बना ली। वहीं बात की जाए 2013 की तो फिर भाजपा ने 28 में से 21 सीट पर कब्जा कर तीसरी बार सूबे में सरकार बनाई। 2018 में 28 सीटों में से 27 कांग्रेस के पास आई और सूबे की सरकार बदल गई। हाथ ने कुर्सी से कमल को उखाड़कर कमलनाथ को बिठा दिया। सूबे की सियासत में इस उपचुनाव में फिर से 28 सीटों पर सत्ता की चाबी है। जो इन्हें जीतेगा उसकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। इन 28 सीटों में से 27 पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते और एक भाजपा के उम्मीदवार के खाते में गई। 2013 में भाजपा की सरकार बनी, 5 कांग्रेस उम्मीदवार जीते तो 21 भाजपा के उम्मीदवार जीते। वहीं कुछ सीटें बसपा के खाते में गई। 2008 में भाजपा की सरकार बनी, 10 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 15 सीटें भाजपा ने जीती, 2 बसपा के पास और 1 जनशक्ति के उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की। 2003 की बात की जाए तो भाजपा की सरकार बनी, 7 कांग्रेस उम्मीदवार जीते, 18 भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। वहीं 1 बसपा उम्मीदवार, 1 निर्दलीय उम्मीदवार और 1 राष्ट्रीय समानता दल के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में यह तय हो जाएगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी रहेगी। सत्ताधारी दल भाजपा सरकार में बनी रहेगी या कांग्रेस को फिर से मौका मिलेगा, इसके लिए मतों की गणना 10 नवंबर को होनी है। उपचुनाव के रण में कौन बाजी मारेगा, किसकी सरकार बनेगी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है क्योंकि मतदाता भी मौन है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार की दिवाली पर कौन आतिशबाजी करेगा। आगे भी हम इसी तरह से चुनावी अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए 91 न्यूज़ 9।